दोस्तों क्या आप जानते हो कि चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में क्रिकेट लगभग 99% लोग खेलते हैं। चलिए बताते हैं। इससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। दोस्तों अमेरिका चीन जैसे बड़े देशों में क्रिकेट न खेलने का एक सबसे बड़ा कारण है, वो है अंग्रेज यानी ब्रिटिश। जहां पर भी अंग्रेजों का राज हुआ था उन देशों में क्रिकेट खेला जाता है, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान इत्यादि। और अमेरिका के लोगों का यह मानना भी है कि क्रिकेट के खेल में केवल एक टीम के दो प्लेयर ही बैटिंग कर सकते हैं। टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट अबाउट जापान। फैक्ट नंबर 1, जापान के लोग दिन में नहाने के बजाय रात को ही नहाकर सो जाते हैं और अगले दिन नए कपड़े पहनकर काम पे चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, जापान में एक ऐसा आइसलैंड भी है जो कि पूरा का पूरा खरगोशों से भरा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, जापान में काम के समय सोना एक आम बात है। फैक्ट नंबर 4, जापान में 90% मोबाइल फोन वाटरप्रूफ होते हैं क्योंकि वहां के लोग नहाते समय भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 5, जापान में बच्चों के डायपर से ज्यादा बुजुर्गों के डायपर बिकते हैं। दोस्तों आपने फिल्मों में लायन को एक्टिंग करते हुए या फिर टाइगर को हीर को साथ फाइट करते हुए या फिर डॉग को एक्टिंग करते हुए देखा ही होगा, और आपको ऐसा लगता होगा कि ये एनिमल एक्टिंग स्किल्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग किए जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों किसी भी एनिमल को कितना भी ट्रेन कर दिया जाए लेकिन उन पर इस चीज़ का भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब वे अपना आपा खोकर वे किसी भी एक्टर पर हमला कर देंगे। इसलिए ज़्यादातर फिल्मों में ऐसे सीन को शूट करने के लिए नॉर्मल एक्टर को एक एनिमल जैसा VFX कॉस्ट्यूम पहनाकर एक एनिमल के जैसे कुछ इस तरह एक्टिंग करवाया जाता है, फिर इसे VFX की हेल्प से ओरिजिनल एनिमल के जैसे लुक दे दिया जाता है। कैरिमिनाटी के बारे में 5 ऐसे फैक्ट जो आपको शायद ही पता होंगे। फैक्ट नंबर 1, कैरिमिनाटी का चैनल ग्रो होना तब स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने बेबी के वाइंस को रोस्ट किया था, और बेबी के वाइंस ने उस वीडियो को देखा था और उन्हें वो वीडियो बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था कैरिमिनाटी को। फैक्ट नंबर 2, कैरिमिनाटी के चैनल पर 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जिसकी वजह से वो इंडिया के ही नहीं एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं। फैक्ट नंबर 3, कैरिमिनाटी पहले ऐसे इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं जिन्होंने कैंगरूस और एलन हॉकर के साथ भी वीडियो बना रखा है। फैक्ट नंबर 4, कैरिमिनाटी ने जब एक बार ढिंचक पूजा को रोस्ट किया था तो ढिंचक पूजा ने रिप्लाई में कैरिमिनाटी को चैलेंज दिया था कि वो बिना उसका उनका नाम लिए फेमस होकर दिखाएं, और आज आपको पता है कि कौन कितना फेमस है। फैक्ट नंबर 5, कैरिमिनाटी को जब पता चला कि MS धोनी भी पबजी खेलते हैं तब उन्होंने लाइव में ये बोला था कि अब उनका एक ही ड्रीम है कि वो MS धोनी को पबजी में हराना चाहते हैं। तो गाइस देखते हैं कि उनका ये ड्रीम पूरा हो पाता है नहीं। गाइस ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आप ये जानते हैं 79% के लोग रात को सोते समय अपने बीते समय के बारे में सोचते रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर चांद नहीं होता तो दिन में सिर्फ 6 या 12 घंटे ही होते और एक साल में 365 दिन के बजाय 1300 से 1500 दिन होते। फैक्ट नंबर 3, क्या आप ये जानते हैं दुनिया का सबसे पहला कैमरा 1894 में बनाया गया था जिसे फोटो खींचने में 7 घंटे 56 मिनट लगते थे। फैक्ट नंबर 4, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक से पहले फेस मास्क नाम की एक वेबसाइट बनाई थी जिसे फिर बाद में चेंज करके फेसबुक नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 5, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धरती पर जितना वजन लोगों का है उतना ही वजन चींटियों का भी है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपने कई हॉलीवुड मूवीज में ज़ॉम्बीज तो देखा ही होगा जो देखने में काफी डरावने और वियर्ड होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इन ज़ॉम्बीज का मेकअप किस तरह किया जाता होगा? आइए बताते हैं। ज़ॉम्बीज का मेकअप करने के लिए सबसे पहले लेटेक्स से बने आर्टिफिशियल चेहरे को एक्टर के फेस पर चिपका दिया जाता है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट कुछ इतना डिटेलिंग मेकअप करते हैं और तरह तरह की चीज़ों को इस आर्टिफिशियल चेहरे पर चिपका दिया जाता है। फिर उसके बाद इनके चेहरे पर नकली ब्लैक भी डाल दिया जाता है जिसके बाद ये नकली ज़ॉम्बीज के शूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल SRFC उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे कॉपी कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर में आ जाना है, जैसे कि हम क्रोम ब्राउजर में आ चुके हैं। उसके बाद आपको YouTube डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है और आपको जिस भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कॉपी करना हो उसे या फिर सर्च कर लीजिए या फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं मनोज दे की वीडियो, हम इनका डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा कुछ खुलकर आ चुका है। यहाँ पर सो मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सारा कुछ खुलकर आ चुका है। उसके बाद आप क्या करना है, थोड़ा सा जूम करने के बाद 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना है जहाँ से भी आपको कॉपी करना है। उसके बाद आपको कॉपी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कर देना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है।
और जहाँ पर भी आपको इसे कॉपी करना है वहाँ पर चले जाना है, फिर उसके कॉपी कर देना है। 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना, उसके बाद कॉपी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा सारा। गाइस अगर वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई का काम करता है हमारा दिल, लेकिन आपको बता दूं कि हमारा दिल इतने प्रेशर से खून को पंप करता है कि वो 30 फीट दूर तक हमारे खून को फेंक सकता है। इसलिए गर्दन के कटने पर खून की पिचकारियां दूर दूर तक जाती हैं। वैसे आपको बता दूं कि एक दिन में हमारा दिल करीब 1 लाख बार धड़कता है और 7200 लीटर खून को पंप करता है। ऐसी ही मज़ेदार जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब